तुम्हारी जन्नत की, जाओ जन्नत ले जाओ। अल्लाह हु अकबर रज़ाने मोहतरम, हुसैन के लिए जन्नत तो बहुत बड़ी बात का नाम नहीं है। आपके सामने कहते कि मेरे साथ क्या हुआ, मौला ने फरमाया कि जैसे कपड़ा पानी में धो दिया था, इस तरीके से नस पाको पाकीदा हो जाएगा। तो अब कपड़ा जब धुल दिया गया तो ये वो ताहिर हो गया। अब इसी कपड़े को आप उठाइए, मौला ने देखिए एक चीज अगर आप गौर करेंगे तो शायद जो है वो मेरी बात पहुंच जाए कि इस कपड़े को एक बार आपने धुल दिया, पाको पाकीदा कर दिया, भाई अब ये कपड़े दो मुहर्रम के बाद आठ रबीउल अव्वल के बाद उतरेंगे तो उतर के इसको जो है वो संदूक में पैक करके रख दिया जाएगा। हाँ रखा जाता है कि रखा जाता है कि अब काले कपड़े मुहर्रम चला गया, अब काले कपड़े मुहर्रम में निकलेंगे। तो बहुत से कपड़े अगर पांच जोड़ी है तो एक आध जोड़ी रमजान वगैरह के लिए रख लिया जाता है, बाकी सारे कपड़े उठा के घर में पैक कर दिए जाते हैं। अब जब अगले साल निकाला जाता है तो मुझे ये बताइए कि क्या उस कपड़े पे धब्बा नजर आता है, क्या उस कपड़े पर कोई दाग होता है, कोई धब्बा होता है? कहते कि नहीं धब्बा नहीं है, दाग नहीं है, पाको पाकीदा हो गया, उसको संदूक में बंद करके रख दिया गया है। कपड़ा पुराना तो हो सकता है, 10 साल रखा रहे, 15 साल रखा रहे, 20 साल रखा रहे, कपड़ा लिबास पुराना तो हो जाएगा लेकिन गंदा नहीं हो सकता, भाई क्यों नहीं गंदा हो सकता, इसलिए इसको धुल के संदूक में रख दिया गया है। अब मौला इरशाद फरमा रहे हैं कि कपड़ा जैसे पानी में धुल दिया जाता है ऐसे ही तुम्हारा नस पाको पाकीदा हो जाएगा। अगर हुसैन के दहलीज तक आ जाओ, हुसैन के दरबार तक आ जाओ, यानी मौला बताना है चाहते हैं कि देखो हुसैन के दर से जब लौट कर जाना तो हुसैनी बन कर जाना, हुसैन के दर से जब लौट कर जाना तो हुसैनी बन कर जाना, अपने नस को तकवे के संदूक में बंद कर देना। देखो तुम्हारा नस बूढ़ा तो हो सकता है लेकिन कसीर नहीं हो सकता। जैसे कपड़ा पानी में धुल दिया जाता तुम्हारा नस इतना तैयब और ताहिर हो जाएगा। अब अज़ान मोहतरम यहां पे एक बहुत बड़ा मसला आपके सामने रख कर जाऊं कि अगर किसी के पास करबला जाने की सबील ना हो, बहुत गरीब है बेचारा, पैसे नहीं है उसके पास, मौला ने तो फरमा दिया, क्या फरमाया कि दहलीज तक आओ तुम्हारा नस तैयब और ताहिर हो जाएगा, पाको पाकीदा हो जाएगा। अब इंसान तो काफी है, इंसान तो गुनहगार है, इसलिए कि इंसान बना ही निस्यान से, निस्यान का मतलब भूल चूक, अगर इंसान गलती न करे तो इंसान इंसान न रहे, मासूम हो जाए, फरिश्ता बन जाए। हाँ अज़ान मोहतरम तो गलती हम करेंगे क्योंकि इंसान बनकर आए, इंसान से ही गलती होगी। अल्लाह हु अकबर अब वो अलग मसला है कि वो ऐसे इंसान से भी जो सलमान कह रहा है, जो अमिताभ कह रहा है, जो अबूजर कह रहा है, और वो फैज किस उनका अपना फैज नहीं था बल्कि दरे अहले बैत का फैज था, दरे अहले बैत का कमाल था कि सलमान को सलमान बना दिया, अबूजर को अबूजर बना दिया, ये दरे अहले बैत का कमाल था। लेकिन अज़ान मोहतरम अब हम अगर कोई गरीब इंसान है और वो करबला तक नहीं जा सकता, बहुत तवज्जो चाहता मौला ने फरमाया तो करबला तक आएगा उसके गुनाह माफ हूं, लेकिन अगर कोई गरीब है तो अब क्या वो मायूस हो जाए, क्या वो मायूस हो जाए कि अब मेरे तो गुनाह माफ नहीं हो सकते, मैं मायूस हो जाऊं? तो अज़ान मोहतरम मायूस होने की जरूरत नहीं है बल्कि मौला इरशाद फरमाएंगे क्या तुमने मेरे नाना की हदीस नहीं सुनी है, क्या मेरे नाना की हदीस नहीं सुनी? क्या है हदीस? कि हुक्को अलीम या कुलू सुनू, कि अली की मोहब्बत गुनाहों के संदाज से खा जाती है, कमा ताकुल नारुल हताई, कि जैसे आग जो है वो लकड़ी को खा जाती है। मैं इनका मसला मेरी समझ में नहीं आया, आपकी दहलीज तक आ जाए तो भी गुनाहों से पाकी, और आपके बाबा की मोहब्बत है वो दिल में बसा ले तब भी गुनाहों से पाकी। अज़ान मोहतरम हुसैन आवाज देंगे कि देखो हम साहिब तकदीर हैं, हमारे करीब रिक्स आ नहीं सकता, हमारे करीब जो है वो कभी भी नजासत पलीदगी आ नहीं सकती है, देखो बाबा की मोहब्बत से अपने दिलो दिमाग को पाक कर लो। बाबा की मोहब्बत से अपने दिलो दिमाग को पाक कर लो, हमारे दहलीज तक आने की खुद ब खुद तौफीक पैदा हो जाएगी। इस हजरात पढ़े मोहम्मद और आले मोहतरम। तो मसला तो हुसैन की दहलीज
और कुछ नसीब है वो लोग ये जो जा रहे हैं। रात से मैंने चल सुना और एक मॉडल बनाया ये पांच छह दिन का पहले है इंशाल्लाह इमाम हुसैन, क्योंकि पहले घर की अजमत बताऊं तब साहब की अजमत बताऊं मोहतरम, तो पहले दर की अजमत समझे कि हुसैन की दहलीज कितनी अजीम है। जब दर की अजमत समझ में आ जाए हुसैन तो अब तो करत में आ नहीं सकता। अल्लाह होकर आपने एक जुमला कहा था कि अल्लाह की मारिफत और अल्लाह के वजूद के लिए सबसे बड़ी दलील यह है कि असर आशूर हुसैन का इत्मीनान, हुसैन का इत्मीनान सब कुछ लुटाकर इतना मुतमईन जमाने में नहीं देखा। हुसैन का इत्मीनान सबसे बड़ी दलील है वजूद तौहीद अल्लाह है, वरना इज़्ज़ाने मोहतरम तो दुनिया का और होता काजी दरबारी साहब का शेर भी है कि अगर कोई और होगा तो कह देता खुदा कोई नहीं। मोहतरम इतना सब कुछ लुटा देने के बाद भी इम्तिहान अल्लाह हो इसका तो जो बात है उसको मुकम्मल करूं। जैसा मैं बताऊं मौला ने इरशाद फरमाया कि मन दारुल हुसैन अलैहि सलाम ला शर्बन वला बतर वला जा वला समा, ये देखो तो हुसैन की ज़ियारत करे इस अंदाज जकड़ के नहीं गुरूर के साथ नहीं, हुसैन का एहसान नहीं कर रहा है कोई ज़ियारत कर रहा है। हाँ तो हुसैन का एहसान है कि तुम्हें अपनी तहलील दिखाई। लेकिन अब यह एक बहुत बड़ा मसला है कि इमाम ने कुल्लत लफ्ज इस्तेमाल किया मन जावल हुसैन, जो भी इजाजत कर ले तो इसका मतलब यह है कि नॉन मुस्लिम जो मुसलमान नहीं है, बात तवज्जो जाता हूं शायद की बात करूं, एक नॉन मुस्लिम है जो मुसलमान ही नहीं है जिसमें जबान में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी किया ही नहीं है। अगर वो मसलन टूरिस्ट निकला घूमने के लिए और घूमते घूमते पहुंच गया कबला पहुंच गया बंदार, उसने कहा कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिसके जुलूस उठते हैं जिसके अलम उठाए जाते हैं अल्लाह उसके मतलब को भी देख कर आते हैं, अब वो पहुंचा कबला और पहुंचने के बाद उसने जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दहलीज पर जो है वो सजदा कर दिया, अल्लाह उसकी दहलीज पर सजदा कर दिया। अभी तो सजदे की बात आई है जब बात अर्ज करो लोगों को एतराज हो जाता है कि ये बेबागा को क्यों चूम रहे हो कि दहलीज पर सजदा क्यों कर रहे हो। अल्लाह अकबर रजा ने मोहतरम ये तो पहले दिन ही जो है वो तय हो गया था, अल्लाह ने पहले दिन ही जो है वो इस बात को वाज़ह कर दिया था कि सजदे होंगे, भाई जनाब आदम को सजदा हुआ या नहीं हुआ। और हम तो खाती इंसान है, आदम को किसने सजदा किया है, आदम को किसने सजदा किया, मासूम फरिश्तों ने सजदा किया था, मासूम मलाइक ने सजदा किया था। अल्लाह अकबर मुझे ये बताइए वो जो मासूमों ने सजदा किया था आदम को, मासूमों को जो सजदा किया था मासूमों ने आदम को, वो क्या समझ के सजदा किया था, क्या आदम को खुदा जान के सजदा किया इसलिए, और अजीम ये मस्जूद मलाइका किस लिए आदम बने हैं, आदम को सजदा क्यों हुआ है, क्या आदम को सजदा इसलिए हुआ है कि आदम ने सिर्फ नाम पढ़े थे, आदम ने मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम पढ़े तो आदम को सजदा हुआ है। जरा सोचिए तो सही, अगर आदम जैसा नबी कुछ नामों को पढ़ ले तो अल्लाह उसे सजदगाहे मलाइका बना देता है। अब जहां पर खुद इमाम मौजूद हो बारगाह को अगर जो है वो चूम लिया जाए सजदा कर दिया जाए तो इसमें मलाइका क्या है। तो आप इंसान मोहतरम को पहुंचा नॉन मुस्लिम है, क्या अगर उसने बोसा दे दिया तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, सही इमाम तो कह रहे ना मंदार हुसैन कोई बात तो नहीं कि इमाम तो उसके अंदर इमाम ने कोई तफसीस की हो कि मंदार शिया थी मेरा शिया जो है वो ज्यारत करे, मंदारा मोमिनी हम पर ईमान रखने वाला जो है वो ज्यारत करे। भाई इमाम ने तो कुल्लन बात कह दिया, और बड़ी बात कर रहा हूँ कि इमाम ने तो कुल्लन बात कह दी कि हम जिसने भी ज्यारत की जो भी ज्यारत करे उसमें कोई लफ्ज तो नहीं है, अब जो भी चला जाए रजाने मोहतरम मसला ऐसा नहीं बल्कि मसला ये है मुझे बताइए कि सहाबी की तारीफ क्या है। सहाबी की तारीफ जो आम उम्मत मुसलमान में लिखी हुई हो लिखी हुई है कि मन ला कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने भी बरहमा होगा कि जिसने भी नबी से मुलाकात की जो नबी के साथ उठा जो नबी के साथ बैठा जो नबी के साथ चला जिसने नबी के साथ जिंदगी गुजारी वो जो है वो सहाबी है। बहुत तवज्जो चाहता हूं वो सहाबी उसी को सहाबी कहा जाता है। तो अभी तो मक्के की जिंदगी में तो बहुत सारे काफिर भी ऐसे थे कि जो मोहम्मद के साथ उठे भी जो मोहम्मद के साथ बैठे भी जिन्होंने बातचीत भी की है। अज़ान मोहतरम ये हमी ही को शराफ है कि हमारे यहाँ पे जो तारीफ है
वो तारीफ ये है कि मन लातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबी से मुलाकात करे, जिसने नबी से बातचीत की हो, जो नबी के साथ रहा हो, उठा बैठा हो, कैसे बैठा हो, कमाल ईमान बिही हुए। इसका मतलब सिर्फ नबी के साथ उठ जाना, बैठ जाना, कलाम कर लेना, यही जो है वो सहाबियत की दलील नहीं है, बल्कि जो है वो उन पर ईमान रखते हुए अल्लाह हु अकबर। उसके बाद दूसरा जुमला ये है, और जो सबसे अजीम जुमला है, यही पर आकर जो 72-73 घंटे हो गए हैं, वो इसी बुनियाद के ऊपर हुए हैं कि हमारे यहाँ पर शर्त यह है, सारी इंसानियत, सारे आलम इस्लाम में एक शर्त है, मा मन लाकन नबी माल ईमान बही, कि जो नबी से मुलाकात करे उन पर ईमान रखते हुए। लेकिन शियत का मतलब यह है, शियत उसे कहते हैं कि जो ये कहती है कि मन लाकन नबी, जो नबी से मुलाकात करे माल ईमान बही, उन पर ईमान रखते हुए वो माता अले है और इसी ईमान पर मर जाए। माल ईमान नहीं, जो नबी पर ईमान के साथ मरे, यानी सिर्फ नबी पर ईमान लाकर नबी के साथ रहना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे ईमान पर मरना जरूरी है। अल्लाह हु अकबर। इसीलिए तो कर्बला के मैदान में सिर्फ हमें जो है वो 72 शहीद नजर आए। हुसैन को हर कोई मान रहा है, हुसैन को हर कोई चाह रहा है, हुसैन के साथ हर कोई जाने वाला है, लेकिन कसम खुदा की 72 शहीद क्यों? इसलिए 72 शहीद है कि ये 72 के 72, 71 के 71 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ईमान ही नहीं लाए, सिर्फ इमाम हुसैन के साथ ही नहीं रहे, अस्हाबे बाबा जो कहा जाता है, इमाम हसन के अस्हाब का इतने ज्यादा शुमार नहीं, मौला कायनात के अस्हाब का इतने ज्यादा शुमार नहीं, रसूल अल्लाह के इतने अस्हाब के जो शुमार नहीं, लेकिन जब हुसैन के अस्हाब की बात आती है तो सिर्फ अस्हाबे बाबा कहा जाता है। हुसैन के पास तो बहुत से रहे, बहुत सोने जिंदगी हुसैन के पास गुजारी, लेकिन हर किसी को असहाबे बाबा बासफा नहीं कहा जाता। असहाबे बासफा जो कहा जाता है वो कर्बला वालों ही को कहा जाता है। क्यों कर्बला वालों को कहा जाता है? भाई कूफे के अंदर भी तो बहुत सारे थे, आप देखें कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद कितने निकले, कितने फौजी उठे कि जिन्होंने हुसैन का बदला लिया, लेकिन जब असहाबे बासफा कहा जाएगा, असहाबे बासफा कहा जाएगा, तो सिर्फ कर्बला वाले समझ में आएंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सिर्फ जबान से कहा नहीं कि हम हुसैन के साथ हैं, बल्कि हुसैन पर जान भी दी है। सारे मोहतरम, जान देना कमाल, पर सारे मोहतरम आज का बहुत बहुत ही अजीब, बहुत ही अलमनाक पुरसा पेश करना। पुरसा किसे पेश करेगा? अगर किसी के घर में कोई एक मर जाता, कोई एक चला जाता, कोई इंसान परेशान हो जाता, इंसान की समझ में नहीं आ रहा होता, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर किसी के घर में दो इंतकाल होता, अल्लाह होकर मुझे बताइए उसके घर का आलम क्या होता है? अगर किसी के घर में 3 का इंतकाल हो जाए तो वो और बहुत बदहवास हो जाता है। आदमी की समझ में नहीं आता है कि इन अल्फाज से पुरसा पेश करूं। अरे इसके घर में 3-3 इंतकाल हो गए, अगर थोड़े थोड़े फासले से इंतकाल हो जाए, 2-4-10 दिन, 1 महीना 1.5 महीना, तब भी आदमी की समझ में नहीं आता। हर आदमी की जबान पर उसी घर का जिक्र होता है, उसी महल्ले वाले की उसी घर का तस्करा होता है, क्या है उसके घर में, तो जब 3 महीने में 3 इंतकाल हो गए, 4 महीने में 2 इंतकाल हो गए, अल्लाह अकबर। लेकिन सैयदा को किस जबान से पूछा है? अरे सैयदा को किस अंदाज से पूछा पेश करे? बीवी सैयदा को किस तरीके से पूछा पेश करो? उम्मे फरमा को किस तरीके से पूछा पेश करो? उम्मे रहा को किस तरीके से पूछा पेश करो? आज शहीदों का दसवा है, अभी तो हमारे यहाँ पर जब दसवा आता है हम नजर दिलाते हैं, हम वादिया दिलाते हैं, लेकिन हाय जैनब तेरी बर्बाद, आज 72 का दसवा आया है, तेरे घर में 1 का दसवा नहीं है बल्कि 71 का दसवा है, और अजीज और जैनब इतनी मजबूर है कि हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, जैनब इतनी मजबूर है कि हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, जैनब को ले जाया जा रहा है, जैनब अभी शाम के रास्ते में है। पुरसा पेश करना है, प्रभात को पुरसा पेश कीजिएगा अली अजहर का। अभी तो बस 2 जुमले पढ़ूंगा, जनाब अली अजहर की शहादत के हवाले से, कि जब अली अजहर की शहादत हो गई, 11 मुहर्रम आई है, एक मर्तबा लोग नैजा लेके चले हैं, जमीने कर्बला में नैजे दाग पड़े हैं, इसलिए कि सबसे छोटा शहीद कर्बला
बेटों की वालिदा को, उनके माता की गिरानी को, अल्लाह जब 11 मुहर्रम आई है, सरों को गिना गया है, घर तक सर निकले हैं, किसी ने कहा शहीद होने वाले तो 72 थे, ये एक सर कहां गया, तो हुसैन ने नन्ना सा लाशा कुछ देर खैमा पर दफना दिया है, पर लोग नैजे को लेकर चले हैं, नैजा जमीन में गांव पे चले जा रहे हैं, जहां नर्म जमीन देखी वहीं पर नैजे को गाड़ दिया। अल्लाह अकबर, ढूंढते ढूंढते एक मलून ने पुश्ते खैमा पर ऐसा नैजा के हाथ हवा में कुछ संदास से